सेकंड क्लच में बेहतरीन बच्चे भी निकल के आए हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से और वो जोड़े निकाल रहे हैं पेच लेस बच्चे। जी दोस्तों, और एक बच्चा एल्बाइनो का भी निकला तो है। अभी चलते हैं हम हमारे बर्ड सेटअप में और सभी कॉकटेल पेड़ से आपको मैं मिलवाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज आपको कॉकटेल पेड़ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं। कॉकटेल पेड़ के चार जोड़े मेरे पास हैं, आप सभी जानते ही हैं। तीन जोड़े अभी ब्रीडिंग पर हैं और उनका भी ये सेकंड क्लच है। फर्स्ट क्लच में दो जोड़ों ने एक एक बच्चा ही पाला था और एक जोड़े ने तीन बच्चे पाले थे। सभी जोड़ों की फर्स्ट ब्रीड है, उसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को। और अभी सेकंड क्लच में बेहतरीन बच्चे भी निकल के आए हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाल भी रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मल कॉकटेल पेड्स के जोड़े लगे हुए हैं और वो जोड़े निकाल रहे हैं पेच लेस बच्चे। जी दोस्तों, पेच लेस के बच्चे निकल रहे हैं और एक बच्चा एल्बाइनो का भी निकला है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं सेटअप पर। तो अभी चलते हैं हम हमारे बर्ड सेटअप में और सभी कॉकटेल पेड़ से आपको मैं मिलवाऊंगा और सभी मटकियाँ हम लोग चेक करेंगे। सभी बच्चे भी आप देखिएगा और क्यों निकले हैं पेच लेस के बच्चे, क्यों निकला है अल्बाइनो का बच्चा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि हमारे जो जोड़े हैं वो पेचलेस कॉकटेल पेड़ से निकाल रहे हैं। तो चलते हैं जल्दी से हम सेटअप के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं हमारे सेटअप में। तो ये हमारे सभी पिंजरे लगे हुए हैं। कुछ पिंजरे आपको कम नज़र आ रहे होंगे, खाली जगह नज़र आ रही है, तो कुछ पिंजरे मैंने यहाँ से हटाए हैं। बाकी सभी जोड़े यहीं पर लगे हुए हैं हमारे। जैसा मैंने आपको बताया कि तीन जोड़े अभी ब्रीड पर हैं और ये पट्टे हैं फर्स्ट क्लच के, जिनको मैंने अलग किया है। एक बच्चा पेचलेस का फर्स्ट क्लच में ही निकल के आ गया था, ये देखें सामने पाइड। एक पाइड का मेल है हमारे पास, आप सभी जानते हैं, तो उसके बेटे का बेटा है ये, उसका पोता है ये। तो ये देखें बाकी तीन बच्चे क्रीम हैं, एक पाइड है, एक ये छोटा बच्चा यहाँ पे बैठा है, ये अभी हैंड फीट पे है। कल ही मैंने इसको इनके साथ छोड़ा है ताकि ये जल्दी से सेल्फ हो जाए। ये देखें, इसको मैंने हैंड फीट पर उठाया था, ये देखें। तो अभी ये सेल्फ हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो अभी यहीं पे ही मैं रख कर इसको फीड करवा रहा हूँ, तो छोड़ते हैं इसको वापस इनके साथ। और ये सभी पट्टे हैं और साइज़ देखें आप, अभी ये दो मंथ के हुए हैं और दो मंथ के होने के बावजूद भी आप इनका अगर साइज़ देखेंगे तो लगेगा कि एडल्ट है। ये देखें, क्योंकि दोस्तों मैं सॉफ्ट फूड का बहुत ख्याल रखता हूँ, डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। जब बच्चे मटकियों में आ जाते हैं तो दिन में दो से तीन बारी मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ। ये देखें, साइज़ देखें आप सभी बच्चों का। ये एक नीचे दूसरा जोड़ा है हमारा। तो पहला बच्चा पेचलेस का जो पाइड देखा वो यहीं से निकला था, तीन बच्चे इस जोड़े ने पाले थे, एक बच्चा एंड फीट पर है। तो मेल देखें बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ये मेल भी मेरा हैंडटेम था लेकिन ब्रीडिंग पे आने के बाद ये देखें इसकी हरकतें। तो ये तो बर्ड्स करते हैं, जब ब्रीड पे होते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फीमेल भी अंदर ही है, पर्ल पाइड की फीमेल है। और ये एक जोड़ा है हमारा, मेल चारकोल का है और फीमेल पर्ल की है। ये देखें, ये ग्रे है, ग्रे का जोड़ा है, मेल भी ग्रे का ही है और फीमेल भी ग्रे की ही है। अब इसने भी पेचलेस बच्चा निकाला है, उसकी वजह यह है कि मेल जो है वो पेचलेस स्प्लिट है। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर शुरू से आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप जानते होंगे कि कॉकटेल का जो मेल है मेरे पास पाइड का, उसके साथ क्रीम की फीमेल लगी हुई थी, तो उसी का ये बच्चा है।
तो तीन बच्चे अभी ये पाल रहा है और तीनों बच्चों का आप साइज़ देख सकते हैं। आपको वो बच्चा दिखाता हूँ जो पेचलेस है, वाइट रुए देखिएगा, जो बच्चा पेचलेस होगा उसके वाइट रुए नज़र आ जाएंगे। तो ये देखें आप, जो बीच में लेफ़्ट की तरफ, जैसे हम वीडियो देख रहे हैं तो हमारे लेफ़्ट की तरफ वो बच्चा है, देखिए जिसकी आइज़ नज़र आ रही है ब्लैक, ये पेचलेस है और इसका जो क्राउन है वो वाइट नज़र आ रहा है। तो ये पाइड बन सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये पाइड बनेगा जो इसका दादा है क्योंकि उसी का ये बच्चा है, तो कह सकते हैं ना अपन। ये देखें मेल फीमेल, तो यहाँ पे भी एक बच्चा पेचलेस दिखाया मैंने, तीन बच्चे हैं, अच्छे से जोड़ा पाल भी रहा है। तो ये नीचे आएंगे तो ये मेल चारकोल का है और फीमेल पर्ल की है। अब ये मेल मेरे पास लगभग दो साल से है, मैं इसको 2020 में लाया था जब ये पट्टा था, तो 2021 में ये ब्रीड करने वाला था लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई फीमेल के साथ, तो वो एक पूरा साल निकल गया ये ब्रीड पर नहीं लग पाया। तो इस बार इसके साथ ये फीमेल मैंने लगाई है पर्ल की, ये देखें क्वालिटी देखें। अब ये फीमेल जो है ये उसी की बेटी है जो पाइड का मेरे पास पेचलेस का मेल है। तो अब इसका रिज़ल्ट देखें आप, इसका एक बच्चा अल्बाइनो का निकला है। तो ये अल्बाइनो का क्यों निकला है, क्योंकि चारकोल का जो वाइट फेस मेल है, ये मेल कहीं ना कहीं अल्बाइनो का स्प्लिट है, उसकी वजह से ये बच्चा हमें मिला है अल्बाइनो। क्योंकि हमारे पास जो फीमेल है कहीं ना कहीं वो भी पेचलेस की स्प्लिट ही हुई, तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं बेहतरीन मिल गया। अगर फीमेल स्प्लिट नहीं होती तो चांसेस होते कि ब्लैक आइज बच्चे ही निकालता। अब ब्लैक आइज बच्चे पर्ल भी हो सकते थे, ग्रे भी हो सकते हैं, पाइड भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा गुड लक है कि ये बच्चा, ये मेल जो है ये अल्बाइनो का स्प्लिट निकला और फाइनली हमारे पास जो है अल्बाइनो बच्चे निकलने की भी शुरुआत हो गई है। एक बच्चा और पीछे निकला हुआ है, वो भी वाइट फेस ही निकलेगा, पेचलेस चारकोल निकलेगा, जिस जो इसका फादर है, देखें आपको दिखाता हूँ। और एक बच्चा जो है वो क्रीम निकला है। तो सारे जोड़े जितने भी मेरे पास ब्रीड कर रही हैं सभी पेचलेस स्प्लिट हुए और सभी अपना रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ये खुशी की बात है, आप सभी समझ सकते हैं इस बात को। तो सब्र किया मैंने और सब्र का फल भी मिला। अगर मैं नॉर्मल ग्रे समझकर, क्रीम समझकर बच्चों को सेल करता तो ये रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलता। तो सब्र किया, बच्चे रोके, ब्रीडिंग ली, तो अब रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। तो इस हॉबी में सब्र बहुत ही ज़रूरी है। अब जो ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं क्रीम के, ये सब भी आगे चलकर जब ब्रीड करेंगे तो पेचलेस बच्चे 101% हमारे पास आने वाले हैं। और जो बच्चे चारकोल के हैं वाइट फेस के, तो उसके बच्चों से जब बच्चे मिलेंगे तो उसमें चांसेस रहेंगे कि हमें अल्बाइनो के बच्चे भी मिले। इस जोड़े को मैंने अलग कर रखा है, ये देखिए इनकी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है तो मैंने अभी इनको फ़िलहाल इस केज में शिफ्ट कर दिया है। ये देखें, ये वो मेल है जिसके सभी बच्चे हैं, तो इस मेल के ही सारी फैमिली है, पूरी ब्लड लाइन इसी की है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि हमारी कॉकटेल की प्रोग्रेस आपको पसंद आई होगी। प्रोग्रेस आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।